और बाकी टमाटर प्याज लहसुन ये सब मम्मी ने छिल के अच्छे से रख दिया धो के। अब इन सब की करेंगे कटिंग बढ़िया से। थोड़ी सब्जी मैश हो जाएगी, थोड़ी देर तक इसको बस पकाना। और ये हमारी भाजी बनके ये लोग, तो मम्मी ने आज बनाई थी पाव भाजी, तो हमने इनको भी इनवाइट किया था क्योंकि ना सबको मम्मी के हाथ की पाव भाजी बहुत पसंद है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हम लोग भी ठीक है। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ अपने 9 बजे के टाइम पे, और आज है हमारा शनिवार का दिन। तो आज आपको दिखाते हैं कौन अभी क्या कर रहा है हमारे घर में। शिवम तो भाई सोए है, अब ले चलते हैं आपको बाहर की मौसम की ओर की, बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। मम्मी का हो रहा है अभी पूजा करने का टाइम। अगु को देखिए बाहर देख रहा है कि ये मुझे घुमाएगी करके। अगु तुम्हें घूमने जाना है, और बाहर ना मौसम एकदम चेंज हो गया। अभी थोड़ी देर पहले बहुत कोहरा था, अभी 5 मिनट पहले मैं उठी थी ना तो कोहरा था, लेकिन अब पूरी धूप आ चुकी है बढ़िया से खिली खिली, बहुत बढ़िया मौसम हो चुका है बाहर का। और इसको रखिए अंदर से, मार खाएगा तू। तो अभी हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में ना आज हमने खाली ब्रेड और चाय ले ली है, मम्मी ने कर दी ब्रेड जल्दी दी, क्योंकि आज हम बनाने वाले कुछ स्पेशल लंच और मम्मी बनाएगी उसे, वो आपके साथ हम दिन में शेयर करेंगे। ऐसे मम्मी बताना चाहती है तो क्या बना रही हूँ मम्मी आज आप? मैं बना रही हूँ पाव भाजी। मम्मी नाश्ता कर रहा है लेकिन फ़ोन में देख देखते, इसको तो बिना फ़ोन के खाना खाया भी नहीं जाता है। भाजी बनाने की तैयारी, तो इसमें ना सारी सब्जियाँ काट दी है, गोभी मटर शिमला मिर्च यही दिख रही है, चूँकि नीचे पानी है तो पता नहीं चल रहा। और ये आलू हरी मिर्च और ऐसे चुकंदर, ये ना इसमें टेस्ट और इससे कलर अच्छा आता, तो ये भी डालती है मम्मी। और बाकी टमाटर प्याज लहसुन ये सब मम्मी ने छिल के अच्छे से रख दिया धो के, अब इन सब की करेंगे कटिंग बढ़िया से। और मैं कर लेती हूँ भाई अपना काम, देखिए आधा झाड़ू लगा के मैंने झाड़ू वहाँ रखा है अभी, और ये कपड़े ऐसे फैले हैं इनकी तह लगानी है, लेकिन इनमें ना अभी हल्की सी ना ठंड वाली नमी है, तो इनको अभी हम नहीं लगाएंगे तह, इनको कल लगाएंगे। तो बाकी मैं कर लेती हूँ अभी और काम। और यहाँ पर देखिए मम्मी का आ चुका है पार्सल, पता नहीं क्या आया है, ये बहुत सीक्रेट पार्सल मंगाया है मम्मी ने, मुझे तो इसका पता भी नहीं है। मम्मी क्या मंगाया है तुमने? अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को भी क्या मंगाया है इन्होंने चुपचाप। ये रखो गिन के पैसे ले जा रही है, कुछ तो मंगाया। मम्मी क्या मंगाया था और सही मम्मी? अरे वो तवा मंगाया। ओह अभी देखते हैं क्या मंगा रखा है, तवा मंगाया गया। मम्मी कौन सा तवा है? पिज्जा तवा। ओह पिज्जा तवा, अपनी कमाई से मंगाया मैंने, मैंने कमाए पैसे उससे मंगाया है ये, मैंने अपनी मेहनत से पैसे कमा के तवा मंगाया। तो ये पार्सल अभी आ चुका है, तो मम्मी करेगी अभी इसकी अनबॉक्सिंग। चलो और आप लोग को दिखाते हैं कि ये कैसा आया है अभी। तो ये हो चुकी है पिज्जा तवे की अनबॉक्सिंग। सबसे अच्छा तो मुझे ये लगता है इसको ना फोड़ने में बहुत मजे आते हैं, जो भी कहो रिलैक्स मिलता है। अच्छा आया तो बढ़िया, वेट भी सही है, बढ़िया है वेट। अब इसमें ना जब बनाएंगे तब देखेंगे, दो है तो। अरे वाह, अच्छा दो है तो ना, अब इसमें हम बना के देखेंगे पिज्जा, तब आप लोग के साथ शेयर करेंगे कैसा बनता है। अच्छा ओवन वाला है ना ये? हाँ तभी तो मंगाया, इसमें मैं बनाऊंगी जैसे नान खटाई बन गई, नान मेन तो नान खटाई के लिए मंगाया मैंने। अच्छा तो पिज्जा के लिए मंगाया हमारे, पिज्जा भी बनाऊंगी एक बार, दो है ना, एक में हमारा पिज्जा बनेगा। फाइनली जो हमारा ओवन है ना इसमें कुछ नया बनेगा, नहीं तो जब से आया है ना खाली है, खाना गर्म करने के काम आता है और इसमें कुछ नहीं बनता है।
तो सबसे पहले हम कुकर में ये सब्जियां डाल देंगे, आलू। तो मैंने ये कुकर में सब्जी चढ़ा दी है उबलने के लिए। अब हम यहाँ पे मैंने बारीक बारीक प्याज चॉप कर लिया है, टमाटर को चॉप कर लिया है। अब मैं करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाऊँगी, ग्रीन चिली कर ली है, बस इतना करके फिर अब मैं बनाऊँगी खुद अपने हाथों से पाव भाजी मसाला। उसमें मैंने 4 चम्मच धनिया, 2 चम्मच जीरा, दालचीनी छोटा सा टुकड़ा और 5-6 तेज पत्ता और 1 बड़ी इलायची, ये सब लौंग, 5-6 लौंग और काली मिर्च 10-15 डाल करके इसको मैं धीमी आंच पे भून लूँगी। तो ये मसाला हमने मिक्सी में डाला, उसके बाद थोड़ी हल्दी, काला नमक, अमचूर पाउडर, और थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च। ये हमारा हो गया पाव भाजी मसाला। सब्जी हमारी रेडी हो गई है, ये देखिए गल गई है, तो ये बन के रेडी हो गई है। अब हम इसको एक किनारे रख देंगे। तो पहले मैंने तेल डाल दिया है, फिर उसके बाद मैंने बटर डाला है, क्योंकि पहले बटर डालने से फिर बटर जल जाता है, इसलिए रिफाइंड पहले डाला। हमें इस प्याज को लाल नहीं करना है, हल्का सा पिंक में लाना है। यहाँ पे मैं सारी सब्जियों को, ये मैशर है, इससे मैश कर लूँगी। इधर प्याज ये देखिए हल्का हल्का भुन रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी देर इसको भी भूनूंगी। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, इसको पका लेंगे। तो आ जाए मान, ऋषभ और जय घर में। अरे हेलो भी बोल लो, क्रिकेट खेला ना आज, क्या बताया तुम्हें मान? हाय बोल। हेलो, खाने में बिजी हो गए अब ये लोग। तो मम्मी ने आज बनाई थी पाव भाजी, तो हमने इनको भी इनवाइट किया था, क्योंकि ना सबको मम्मी के हाथ की पाव भाजी बहुत पसंद है, तो मम्मी ने कहा सबको बुलाया जाए, तो ये लोग बताएंगे कैसी बनी है। ओगी गरम मेरे को भी दो, कटोरो कैसी हो रही है, कैसी हो रही है? पेलता दो उसको। जय कैसी हो रही? मुझे 2 प्लेट डाल दिया वैसे। खा जाओगे तुम? तो अभी आ चुकी है ज्योति, ज्योति भी घर आ चुकी है हमारे,
मम्मी के हाथ की पाव भाजी खाने मार्केट के दूर तक खाते हैं। और ये ऑडियो देखे देखे तैयार कर रहा हूँ, पैसा आता है ना बचपन से मिला हुआ है तो ना भौंका ना कुछ, देख इतना मुंह लग गया दो रोटी खा रहे। हेलो भी बोलते हैं मैडम। हेलो गाइस।